गाइज़ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फाइनली फाइनली आई एम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो तो जी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने जो मेहंदी की पिक्चर्स डाली थी किसका ट्यूटोरियल बना दें जबकि मैं शूट नहीं वो किया था क्योंकि मैं गाड़ी में तैयार हुई थी लेकिन मैंने ये बैठ के आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो शूट किया है तो जरूर देखिएगा इसमें पहले मैंने जो है ऑब्सली मेरे बाल छोटे मैंने एक्सटेंशन लगाई थी बिकाज़ आई वॉन्टेड के जो ईस्टर्न लुक है ना उसमें लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैंने एक्सटेंशंस लगाई थी वो पार्ट हो गया तो चलें आप मेकअप की तरफ शुरू होते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है वो है मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज ज़रूर करें उसके बाद मैंने ये प्रो कंसील एले गर्ल का यूज़ किया था अपने आईलेट्स के ऊपर लगाया था ताकि इससे आई शेडोज थोड़ा थोड़ा उभर के आता है ठीक है तो मैंने पहले वो अच्छी तरह लगा लिया अपनी आईलेट्स दोनों कवर कर ली उसे फिर मैंने जो पैलेट यूज़ किया वो मिस रोज़ का ये वाला पैलेट मैंने स्पेशली ये मेहंदी के आ, उसके लिए लिया था किज़ इसमें कलर्स बहुत अच्छे थे स्पेशली जो ग्लिटर वाले कलर्स थे वो बहुत अच्छे और उनकी पिगमेंटेशन बहुत बहुत अच्छी है वो आगे आप देख लेंगे तो मैंने पहले एक ब्राउन सा शेड लेके अपने आ, सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लगाया उसके बाद ये थोड़ा सा येलो मिक्स हो गया था उसके साथ जब मैं ले रही थी उसके बाद उससे थोड़ा डार्क पीची टोन मैंने किया था मुझे आंखें ना बड़ी मतलब न्यूड केले गोल्डनिश टाइप सी मुझे चाहिए थी तो मैंने शेड सारे वही यूज़ किए थे उसके बाद मैंने ये थोड़ा गोल्डन शेड था वो ही वहाँ पर लगा के उसका ग्लिटर फ्रंट पे ग्लिटर पीछे ब्राउन पीची सा शेड उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज बना ली ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था अब मुझे इसका नाम नहीं पता ब्रांड नहीं पता कुछ भी और ये बहुत अच्छा था ठीक है ये फैलता नहीं है और इसमें दो शेड्स थे ब्राउन और ये ब्लैक वाला ब्राउन मम्मा यूज़ करती हैं मैं ये ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ थोड़ा सा लेती इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं हल्का सा लेके अपने कर लेती जबकि मैं इतनी जो आईब्राउज जो है वो डार्क नहीं करती उसके बाद इसी पैलेट में से मैंने शेड ले कर ऊपर जो मैंने हाईलाइट लाइट की थी अपनी ब्राउ बोन और अपने इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाईलाइट उसी से किया था उसके बाद मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ किया था बहुत 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 अच्छा है इससे एकदम से मतलब मैं नॉर्मल डेज़ में भी यही इससे पहले मैं मेबिलिन का यूज़ करती थी और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम है और आई भी मैं वेट एंड वाइल्ड का ही मैंने यूज़ किया अच्छा ये आई का ये है कि मुझे यहाँ सही नहीं लगा लेकिन आगे, आगे आप देख लेंगे कि मैंने उसको ठीक कर लिया था ऑन कैमरा मैं लाइनर नहीं लगा सकती मुझसे लगता ही नहीं है तो ये देखे मेरा सारा ख़राब हो गया लेकिन बाद में मैंने ठीक कर लिया था उसके बाद मैंने आई लैशज़ यूज़ की थी ये भी एक लोकल लोकल लैशज़ थी मुझे इसका नाम नहीं याद तो ये मैंने यूज़ की थी ये भी अच्छी थी फिर जो फ़ाउंडेशन है ये मैंने एमरेज की और दूसरी एल की है ठीक है ये दोनों मैंने मिक्स की थी क्योंकि एमरेज वाली इतनी कोई अच्छी फाउंडेशन है लेकिन उसका जो आ, मेरे पास शेड था ना वो थोड़ा डार्क आ गया था तो इसमें ये मैं एल वाली जो है वो यूज़ कर लेती हूँ मिक्स करके ये दोनों शेड मिक्स करके मेरी स्किन का एग्जैक्ट कलर बन जाता है ना डार्क ना लाइट एग्जैक्ट तो ये मैं दोनों यूज़ करती हूँ दोनों रिकमेंडेड है दोनों बहुत अच्छी है मेरी बाय द वे ड्राई स्किन है तो मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ एमरेज वाली तो बहुत बहुत अच्छी है बहुत मुझे बहुत पसंद आई थी उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह अपना और, और एक और चीज़ डोंट फर्गेट योर नेक जब भी मेकअप करें फाउंडेशन यूज़ करें अपनी नेक में वो पिक्चर्स में भी ना एक बहुत डिफरेंट सा कलर लगता है बेशक आप सेम अपना शेड यूज़ करें लेकिन वो एक बड़ी डेफिनेशन आ जाती है फाउंडेशन से जो नेक पे नहीं होती तो वो पिक्चर्स में भी बहुत बुरी लगती है फिर मैंने ये नेक्स की कंट्रोल स्टिक यूज़ किया ये, ये मेरी फेवरेट है इसलिए बहुत गंदी हुई है क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ उसका कैप भी मुझसे गुम हो गया तो ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड ही क्रीमी सी है मुझे एक्चुअली क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है तो से एक डुई से लुक आ जाती है मैं पाउडर प्रोडक्ट्स इतने ख़ास पसंद नहीं है वो मुझे लगता है मुझे स्किन पे ऑलरेडी ड्राई है तो उभरे उभरे से लगते हैं फिर मैंने ये मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया जो कि भाई सबका ही फेवरेट है तो ये भी बहुत क्रीमी इनका नया आया आई गैस तो पहले उनकी दूसरी वाली पतली वाली ट्यूब थी तो बॉटल थी एक्चुअली तो ये मैंने आ, अच्छी तरह लगा लिया ये थोड़ा सा मतलब लाइटर शेड है जिससे थोड़ी हाईलाइट हो जाती हैं ठीक है उसके बाद मैंने कंट्रोल वाली आ, ये ब्रश था मुझे दूसरा वाला नहीं मिल रहा था आई यूज़ दिस वन और इससे मैंने अच्छी तरह कंट्रोल कर ली कंट्रोल एक जो ग्लैम मेकअप या कहीं शादी वगैरह तो अपना कंट्रोल आपको ना भी ज़रूरत हो तो फिर भी हल्का हल्का किया करें कि एक वार्म आ जाती है आपके फेस में और बाकी आप थोड़ा हाईलाइट तो एक फ़ेस थोड़ा चिजल भी लगता है लेकिन एक वार्म होना फेस में बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ वो एक बहुत चिट्टा सा और अजीब सा लगता है तो अपना कंट्रोल हल्का हल्का थोड़ी वार्म देने के लिए ज़रूर क्या करें अच्छा जो ये वाला फ़ेस पाउडर है ना इट्स टू गुड कॉम्पैक्ट पाउडर ये एल ए गर्ल्ड का इतनी इसकी कोई मैट फिनिश खूबसूरत किस्म की है मैं पाउडर इतना यूज़ नहीं करती लेकिन ये वाला मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ ताकि एक अच्छी सी मैट फिनिश आ जाए फिर जो ये आ, ब्लश है ये भी मैंने वेट एंड वाइल्ड का यूज़ किया है ये बहुत अच्छा है इसमें थोड़ा हल्का हल्का शिमर है तो हाइलाइटर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ पड़ती वो वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाता है हाइलाइटर मैंने किसका यूज़ किया आई थिंक मे का हाइलाइटर पता नहीं किसका था तो मैं देख लेना मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा तो ये भी बहुत अच्छा हाईलाइटर मैं डेली भी यही यूज़ करती हूँ उसके बाद मैंने वही पीची शेड जो है अपनी नीचे भी लगाया और मस्कारा नीचे ज़रूर लैशेस पे लगाया करें एक कंप्लीट uh, सा लगता है वरना वो ना अजीब सा लगता है तो नीचे से ज़रूर लगाया करें जो ये शेड है ये मैंने रिवाज का यूज़ किया था आई थिंक ज़ीरो टू में है ये शेड बहुत खूबसूरत शेड है ये ना आपके लिप्स ड्राई करता है ना वो चिपचिपे से नहीं होते बहुत खूबसूरत शेड है तो ये इसके लुक के साथ बहुत प्यारा जा रहा था फिर मैंने ये एले का ही ये ऑरेंज यूज़ किया है क्योंकि मैं ना थोड़ा पीची सी लुक जा रही थी तो इसके बीच में मैंने हल्का हल्का ये ऑरेंज शेड यूज़ किया तो जी ये हो गई मैं तैयार अब फाइनल लुक देखें मेहंदी पे ना थोड़ी हैवी ज्वेलरी अच्छी लगती है तो आप मैंने इसलिए मेरी कुर्ती बिल्कुल सिंपल थी क्योंकि मैं ना ये हैवी ज्वेलरी पहनना चाहती बड़े झुमके बड़, बड़ा बड़ा टिक्का तो ये लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जिसकी भी आगे मेहंदी आ रही है सिंपल कुर्ती रखें और ऊपर हैवी ज्वेलरी पहने लाइट मेकअप रखें तो बहुत 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 खूबसूरत लगता है तो ये आपके सामने है फाइनल लुक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक ने कितना हेल्प किया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू लेटर